गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग चैप्टर 7 ऑफ हिस्ट्री, सिविलाइजिंग द नेटिव्स एंड एजुकेटिंग द इंडियंस। एंड टुडे इन दिस चैप्टर वी विल रीड द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी थिंकर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बिगेन टू टॉक ऑफ द नीड फॉर अ वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो सिर्फ अंग्रेज लोग ही नहीं थे जो भारत में एजुकेशन प्रणाली के बारे में सोच रहे थे, जो भारतीय थिंकर्स थे, विद्वान थे देश के अलग अलग हिस्सों में, उन्होंने भी काफी बड़े लेवल पे उन्होंने एजुकेशन के बारे में बात की। मतलब वो भी एजुकेशन में सुधार चाहते थे। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। तो जो डेवलपमेंट्स हुए थे इंग्लैंड में या यूरोपियन कंट्रीज में, तो उनकी पढ़ाई लिखाई का लेवल अच्छा था, प्रैक्टिकल नॉलेज थी उसमें, तो उन चीजों को देख के जो भारत में रहने वाले विद्वान लोग थे जहाँ कुछ वेस्ट में जाके स्टडी करके आए थे, तो वो भी चाहते थे कि अगर इंडिया को मॉडर्नाइज करना है, आगे बढ़ाना है, तो वेस्टर्न टाइप की एजुकेशन जो है वो जहाँ भी लाई जानी चाहिए। दे आज द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स, और उन्होंने ब्रिटिश पीपल को बोला कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल जो हैं वो खोले जाएं, कॉलेजेस खोले जाएं एंड यूनिवर्सिटीज, एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है खर्च किया जाए शिक्षा प्रणाली के ऊपर। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट्स इन चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 में आगे इस चीज के बारे में और आप डिटेल में पढ़ोगे। देयर वर अदर इंडियंस हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। तो कुछ भारतीय ऐसे भी थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का विरोध किया। महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर वर टू सच इंडिविजुअल्स। तो रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी थे मेन जिन्होंने इस प्रणाली का विरोध किया। लेट अस लुक एट व्हाट दे हैड टू से। तो देखते हैं कि उन्होंने इस एजुकेशन प्रणाली का विरोध क्यों किया। इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस। तो महात्मा गांधी का मानना था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो हमें गुलाम बनाएगी। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फेरियरिटी। इन्फेरियरिटी होती है हीन भावना, अपने आप को कम समझना, इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। तो महात्मा गांधी को लगता था कि इससे भारतीयों को जो कि उनके मनों में है इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, मतलब वो अपने आप को अंग्रेजों से कम समझेंगे, कम आंकेंगे। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर। उनको लगेगा कि वो एजुकेशन तो बहुत अच्छी है, वो सिविलाइजेशन काफी अच्छी है, और जैसे इस माहौल में वो अपने आप को ठीक से डाल नहीं पाएंगे। एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। तो इस महात्मा गांधी को जी भी लगता था कि जो हमारे अपने कल्चर में जो मान है, जो शानदार जो हमारा सभ्याचार है, जे भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसको भी ये खत्म हो जाएगा। देयर वाज पॉइजन इन दिस एजुकेशन। तो जो अंग्रेजी प्रणाली है शिक्षा की, वो जहर है, सेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा, इट वाज सिंफुल, इट एनस्लेव इंडियंस। उनको लगा कि जो सिंफुल है, जो व्यक्तियों को गिल्टी फील करवाएगा और भारतीयों को गुलाम बनाएगा। इट कास्ट एन ईवल स्पेल ऑन द चार्म्ड बाय द वेस्ट। तो इससे ये भी था कि बुरा प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर और वो वेस्ट की तरफ वो अट्रैक्टेड होंगे। अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट, और हर उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, प्रशंसा करेंगे जो वेस्ट से आई होगी। इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन बिगैन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। तो इंडियंस जो हैं, पढ़े लिखे जो भारतीय हैं, वो इन इंस्टीट्यूशन को एडमायर करना शुरू करेंगे, उनको प्रशंसा करना, उनकी तारीफ करना शुरू करेंगे और ब्रिटिश रूल की तारीफ करना शुरू करेंगे। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि इस तरह की एजुकेशन प्रणाली होनी चाहिए जिससे कि भारतीयों को सेल्फ रिस्पेक्ट मिल सके। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही अर्ज्ड स्टूडेंट्स टू लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू शो टू द ब्रिटिश दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एनस्लेव्ड। तो जब मूवमेंट चल रहा था, नेशनल मूवमेंट, आजादी का संघर्ष चल रहा था, लड़ाई चल रही थी,
तो उस समय महात्मा गांधी ने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को बोला कि वो ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनको छोड़ें, तो अंग्रेजों को दिखा दें कि वो और ज्यादा समय अंग्रेजों के गुलाम बने नहीं रहना चाहते। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि जो भारतीय भाषाएं हैं वही टीचिंग का मीडियम जो है बनी रहे, मतलब इंग्लिश मीडियम की बजाय इंडियन लैंग्वेजेस में ही इंडियंस को पढ़ाया जाए। एजुकेशन इन इंडियन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस। तो उनको लगता था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो भारतीयों को अपाहज बना देगी, क्रिपल्ड मतलब अपाहज बना देंगे, डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स, जो उनके आसपास का है वातावरण उससे उनकी दूरी बना दे, एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड्स, तो अपने ही देश में वो अजनबी बन के रह जाएंगे, मतलब सामाजिक दूरी उनकी बन जाएगी, जो ऐसे मिलवर्तन की भावना है एक दूसरे के प्रति वो खत्म हो जाएगी। स्पीकिंग अ फॉरेन टंग डिस्पाइजिंग लोकल कल्चर, तो इंग्लिश भाषा जो है विदेशी भाषा बोलते बोलते उनको अपने कल्चर से नफरत होने लग जाएगी। महात्मा गांधी ये फील करते थे कि कहीं लोग अपने कल्चर से सभ्याचार से दूर ना चले जाएं। द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मैसेस, तो इंग्लिश एजुकेटेड जो है अंग्रेजी पढ़े लिखे जो है उनको नहीं पता है कि किस तरह से मैसेस जो के बहुत सारे लोग होते हैं उनको रिलेट करना है आपस से, जो उनके संबंध है किस तरह के हैं कैसे, ये सब अंग्रेजों को नहीं पता है। वेस्टर्न एजुकेशन महात्मा गांधी सेड फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल नॉलेज, तो उनको लगता था कि जो वेस्टर्न नॉलेज है एजुकेशन है सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पढ़ने लिखने तक ही सीमित है, जुबानी शिक्षा इसमें कुछ भी नहीं है। इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक्स को ज्यादा वैल्यू किया जाता है इसमें, रादर देन लिव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, तो उनको लगता था कि जो एक्सपीरियंस से चीजें पता चलती हैं वो उसकी इसमें कमी है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं बच्चों को दे रही हैं ये बुक्स। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ऑट टू डिवेल्प अ पर्सन्स माइंड एंड सोल, तो उनको लगता था कि इस तरह की पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली इस तरह की होनी चाहिए कि वो किसी भी व्यक्ति के दिमाग को और आत्मा को डिवेल्प कर सके, उसका विकास कर सके। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन, तो उनको लगता था कि सिर्फ जो लिखना और पढ़ना है यही एजुकेशन नहीं है, तो इसको एजुकेशन शिक्षा नहीं माना जाता है। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लोगों को अपने हाथों से काम करना आना चाहिए, लर्न अ क्राफ्ट, कोई उनको कारीगरी सीखनी चाहिए, एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, तो किस तरह से अलग अलग चीजों को ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है वो पता होना चाहिए बच्चों को। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, तो इससे उनका माइंड उनका दिमाग डेवलप होगा, विकसित होगा और ज्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग की पावर जो है उनमें आएगी। एस नेशनलिस्ट सेंटीमेंट स्प्रेड, जैसे ही देशभक्ति की राष्ट्रवाद की भावनाएं जो थी वो फैलना शुरू हुई, अदर थिंकर्स ऑल्सो बिगेन थिंकिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, तो जो दूसरे विद्वान थे उन्होंने भी नेशनल एजुकेशन पे ही, मतलब भारत में भारतीय भाषाओं में ही एजुकेशन को देना जो है उसको सही ठहराया, विच वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट सेटअप बाय द ब्रिटिश, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी एजुकेशन प्रणाली जैसी कि ब्रिटिश ने सेट की है उससे अलग होगी।